हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के नेचर के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है वो बंध किस प्रकार से बनता है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि बंध की प्रकृति के आधार पर ही हम रासायनिक यौगिकों के गुणों की व्याख्या सही तरीके से कर पाते हैं। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग नेचर इन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नेचर समझाने के लिए मुख्य रूप से तीन कंसेप्ट हैं, VBT, CFT और MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या LFT। यहाँ हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। साइंटिस्ट पॉलिंग ने VBT कंसेप्ट के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्डिंग नेचर को समझाने का प्रयास किया। और जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, मुख्य रूप से उसकी ज्योमेट्री और उसके जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग से बात करते हैं, तो हम VBT के अकॉर्डिंग उनकी सही तरीके से व्याख्या काफ़ी हद तक कर पाते हैं। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रल या कलर जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उन प्रॉपर्टीज़ के जब उन पर फोकस करते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर VBT अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो मॉडर्न टाइम पर हम अगर देखें तो VBT सिर्फ एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वर्नर की जो स्टडी है उस स्टडी को एडवांस लेवल पर या उसी को लेकर आगे फॉरवर्ड हुए VBT कंसेप्ट। तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुख्य रूप से तीन अजम्पशंस हैं जिनके द्वारा हम मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो मेटल है वो मेटल अपनी मेटल आयन अवस्था में आएगा। इस मेटल आयन अवस्था में वो इसलिए आता है ताकि लिगेंड्स को बॉन्डिंग करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए मेटल आयन अवस्था में आएगा। नंबर टू, हमें पता है कि मेटल आयन के अंदर जो मुख्य रूप से एक्टिव या रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको कंसिडर करते हुए हम स्टडी करते हैं कि डी ऑर्बिटल का कंडीशन क्या है, कितने डी ऑर्बिटल वैकेंट हैं, कितने डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं। जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम मेटल आयन की बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि मुख्य रूप से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, संक्रमण धातुएं हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में भाग लेती हैं। और ये जो संक्रमण धातुएं हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें वैलेंस सेल के अंदर N-1D, NS और NP ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब ये बॉन्डिंग प्रोसेस होगा तो इस बॉन्डिंग प्रोसेस में ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर अवेलेबल नहीं हो, इनके पास लिगेंड के लिए पर्याप्त संख्या में एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं हो, तो ND ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट अजम्पशन हम क्या ले रहे हैं कि मेटल आयन एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराने के लिए एक निश्चित आयन अवस्था में आ जाती है,
उस आयन अवस्था में आने के लिए वो एन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। फिर सेकेंड पॉइंट, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ये एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने से हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजनरेट कंडीशन में होते हैं और इनमें हाईली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से इनका जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसी कारण ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक निश्चित ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं, ताकि इन ऑर्बिटल्स के बीच में होने वाला रिपल्सन मिनिमाइज हो सके और इनका स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। उसी वजह से यहाँ पर एक निश्चित ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो जाते हैं। ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होने के बाद अब जो लिगेंड हैं वो लिगेंड मेटल के उन हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करके इस प्रकार से उपसह संयोजी बंध बना लेते हैं। तो VBT के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए VBT कंसेप्ट के आधार पर मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग नेचर है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं FeCN6। -3 आयन का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड किस प्रकार से बना है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे Fe कौन सी आयन अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पर Fe, क्योंकि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स आयन पर -3 चार्ज है, जो CN लिगेंड है उस पर -1 चार्ज होता है, तो 6 लिगेंड पर -6, तो Fe पर कितना होना चाहिए? +3। तभी यहाँ पर क्या आएगा? -3। तो Fe +3 आयन अवस्था में है। तो जो सेंट्रल मेटल है वो Fe से Fe+3 आयन अवस्था में आ गया। इस आयन अवस्था में अब हम इसके जो वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स हैं उनका कंडीशन देखते हैं कि वो क्या है। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 4p0 और 4d0, ये कंडीशन होगा। जब ये Fe+3 अवस्था में आ गया तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हम जब निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकालते हुए 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d का। तो इस कंडीशन में यहाँ Fe+3 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वैलेंस सेल का होगा 3d5 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ पर हमें पता है कि टोटल जो लिगेंड है वो 6 हैं और वो 6 बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि मोनोडेंडेट लिगेंड हैं, तो हमें 6
एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स से अवेलेबल कराने के लिए एफ ई प्लस थ्री अवस्था में आ गए हैं। अब इस अवस्था में हम देखेंगे कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3D, तो डी में इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3D के ऑर्बिटल्स। 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने 1 by 1 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर 4s एम्प्टी है, फिर 4p तीन ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, और फिर 4d एम्प्टी है। तो अब यहाँ पर हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ताकि वहाँ पर लिगेंड अपने लोन पेयर देकर बॉन्डिंग कर सकें। तो हमें यहाँ ये लग रहा है कि जैसे एक ऑर्बिटल ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, यहाँ बॉन्डिंग कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि लिगेंड किस प्रकार का है, लिगेंड किस प्रकार का है। तो ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में बिहेव करता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है ये VBT के समय नहीं बताया गया था, ये बाद में जब CFT को हम कंसिडर करते हैं तो CFT के अंतर्गत ये बताया गया लिगेंड्स की जो नेचर है कि वो किस तरह से होती है, वो उनमें क्या इफेक्ट डालेगी, इलेक्ट्रॉन्स का जो रीअरेंजमेंट है वो किस प्रकार से करेगी। लेकिन जब हम ये इसका ज्योमेट्री हम जब देखते हैं, इसका जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जाता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने के लिए इसमें किस प्रकार का संकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि वो अंदर से जो इनर पोर्शन है मेटल आयन का, वहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल्स को चूज करने का प्रयास करेगा। तो उसके लिए वो क्या है कि जब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये यहाँ से इनका शिफ्टिंग कर सकता है अगर कंडीशन है तो। तो यहाँ पर ये 3D के ऑर्बिटल्स हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ आ सकता है, पेयरिंग हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ आ सकता है, पेयरिंग हो गया। तो इस प्रकार से पेयरिंग होने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन शेष रहा, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल एम्प्टी, ये 4s, ये 4p और ये 4d, इस प्रकार से। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका जो नेचर है वो अलग अलग है। ये 3D ऑर्बिटल्स हैं, ये 4s ऑर्बिटल्स हैं, ये 4p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, संकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें भाग लेंगे। लेकिन कौन कौन से भाग लेंगे, तो हमें इस लिगेंड के अकॉर्डिंग 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो हम अंदर से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक। तो दैट मीन्स संकरण की प्रक्रिया में ये 6 ऑर्बिटल भाग लेंगे। कौन कौन से हैं, 3D के 2 हैं, एक S का है और 3 p के हैं। तो यहाँ पर D2SP3 संकरण हो गया। अगर हम इसको ये कहते कि यहाँ पर इसका पेयरिंग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उस कंडीशन में जो संकरण है वो क्या होता है, SP3D2, क्योंकि D बाद वाले हैं, तब उसको हम क्या लिखते हैं, SP3D2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको अभी यह बताया कि CN को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर करते हुए क्या कहेंगे कि ये पेयरिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो संकरण है वो D2SP3 आएगा।
तो डी टू एस पी थ्री संकरण होने के बाद में ये जो 6 ऑर्बिटल हैं ये संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे और हमें इस प्रकार से सेम एनर्जी वाले, सेम डायरेक्शन प्रॉपर्टी वाले 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, डी टू एस पी थ्री संकरित कक्षक। ये जो डी टू एस पी थ्री संकरित कक्षक हैं इनको हम इस तरह से सोसेज आकृति में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल इस तरह का होगा, प्रत्येक ऑर्बिटल इस तरह का होगा। तो ये जो 6 ऑर्बिटल हैं वो इस तरह की आकृति में हैं और ये 6 के 6 ऑर्बिटल का सेंटर एक है, डिजनरेट कंडीशन में सेंटर एक ही है, एक ही सेंटर पर है ये। तो ये जो 6 ऑर्बिटल हैं ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए इस तरह से अरेंज होंगे कि इनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो सके। उस कंडीशन में जब ये अरेंज होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनता है तो क्या होगा कि ये इस तरह से 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में और एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ और एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ। ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये चारों ऑर्बिटल एक प्लेन में है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। जैसे ये हो गया प्लेन, तो यहाँ ये सेंटर हो गया, ये एक ऑर्बिटल इस तरफ, एक ऑर्बिटल इस तरफ, एक ऑर्बिटल इस तरफ, एक ऑर्बिटल इस तरफ और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे। अब जो 6 लिगेंड हैं वो लिगेंड अपने लोन पेयर के साथ यहाँ इनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, एक लिगेंड यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, इस तरह से टोटल जो 6 लिगेंड हैं वो ओवरलैपिंग करके अपने लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेंटर में मेटल, क्योंकि ये डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल से मेटल के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में हमने क्या लिखा, एफ ई, और ये 4 बॉन्ड बने हैं एक प्लेन में, सी एन सी एन सी एन सी एन, ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में बने हैं और एक बॉन्ड ये ऊपर और एक बॉन्ड ये नीचे की तरफ। ये ऊपर जो बॉन्ड बना है इसको हम इस तरह से बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, नीचे वाले को डॉटेड लाइन में। इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। और जब इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 8 फलक प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। तो इस प्रकार से हम VBT के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम ये कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो पार्शियल आयनिक करेक्टर भी रखता है, कोवलेंट करेक्टर भी उसके अंदर है, ओवरलैपिंग होने की वजह से क्योंकि वो अतिव्यापन से बना इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक नेचर आने से और अधिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। अब एक हमारे दिमाग में डाउट ये हो सकता है कि यहाँ ये कैसे हम याद रखेंगे, ये यहाँ पर ही कैसे बताया गया, क्योंकि उस समय तक तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कंसेप्ट था ही नहीं। तो ये डी टू एस पी थ्री संकरण होगा या एस पी थ्री डी टू संकरण होगा, ये प्रैक्टिकली जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बताया जाता है। अभी जैसे आपने ये देख लिया कि डी टू एस पी थ्री संकरण आया, उसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री बता सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होगा, तो ये एक अप्लीकेशन हो गया कि VBT कंसेप्ट के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डी टू एस पी थ्री है कि एस पी थ्री डी टू है, इसका पता हम किससे लगा सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब हम मेजर कर लेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी पहले आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों के थर्ड ईयर में भी है, तो उसमें दो मेथड हैं, गाउज़ मेथड और फेराडे मेथड।
उनके द्वारा हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, और उससे जब हम म्यू द्विध्रुव घूर्ण का मान निकाल लेंगे तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। जब म्यू का वैल्यू हम निकालेंगे, म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला से जब हम निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस टू रूट बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ पर ये जो एन है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। तो ये प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं। ये मेजर करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए जब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली गई तो उसका मान लगभग एक आया। इस कारण से ये कहा गया कि इसमें इस प्रकार से d2sp3 संकरण होगा। इसी प्रकार अगर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर CN की जगह CL ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो वहां पर अगर म्यू के अकॉर्डिंग N का वैल्यू हम निकाले और N का वैल्यू कितना आए, 5 आ जाए, L का वैल्यू N का वैल्यू 5 आ जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज ही रहेंगे। उस कंडीशन में जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे 4s, 4p और 4d। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, तीन इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो संकरण आएगा sp3d2। उसमें d2sp3 की जगह sp3d2 संकरित कक्षक प्राप्त होंगे और वही ऑक्टेटल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, वहां पर आउटर डी ऑर्बिटल यूज होंगे। तो ये जो संकरित कक्षक हैं इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं या आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इस आधार पर जो ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अंतः कक्षक संकुल यौगिक और बाह्य कक्षक संकुल यौगिक। अंतः कक्षक जिनमें इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं d2sp3 वाले, बाह्य कक्षक जिनमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं sp3d2 वाले। तो वो हम यहाँ पर जो लिगेंड है उस लिगेंड की जो नेचर है उसको देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो इनका म्यू का वैल्यू आता है या हम कहें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है, उसी के उसके अकॉर्डिंग भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बना सकते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग d2sp3 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, जहाँ पर ये लिगेंड CN था वहाँ पर जो स्पिन संख्या है वो पहले की तुलना में कम हो गई, अब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन। अगर ये लिगेंड सेम CL ही हो तो यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये नहीं होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, तो स्पिन क्वांटम नंबर का संख्या भी हमें अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ कितना बचेगा, प्लस हाफ, और यहाँ ये कंडीशन होती तो कितना आएगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ, 2.5 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उच्च चक्रण वाले संकुल यौगिक। तो वो भी हम VBT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी ज्योमेट्री और उनका जो ज्योमेट्री है उसको भी हम VBT कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम जिंक प्लस 2 के कंपाउंड लें जिनमें समन्वय संख्या 4 है। अब मान लो कि हमारे पास कंपाउंड है ZnCN4, जैसे ये हमने मान लिया, तो ये हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। लेकिन जब आप Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 3d10 4s0 4p0 4d0। प्लस टू अवस्था में
इस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि 3D जो ऑर्बिटल है वो तो फुल फिल्ड हैं, तो वहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में तो ये डी ऑर्बिटल काम आ ही नहीं सकते, तो हमें अब चार ऑर्बिटल चाहिए। तो चार ऑर्बिटल कौन से हो गए, एक एस और तीन पी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स ऐसे मेटल आयन जिनका प्लस आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो, उसका जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के होंगे, वहाँ पर sp3 संकरण होगा। जिनका कॉन्फ़िगरेशन 3d8 हो उनमें एक कक्षा खाली रहेगा। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो तो वहाँ पर क्या होगा कि एक इसका d यूज हो जाएगा, फिर एक s और दो p, dsp2। 3d10 वाले 3d8 वाले के लिए क्या होगा, dsp2 संकरित कक्षक हमें प्राप्त होंगे। और dsp2 जो संकरित कक्षक हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो वहाँ पर हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से VPT के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम इसी के आधार पर समझ सकते हैं। VPT के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर जब मेटल आयन के साथ में इतने लिगेंड हैं और वो लिगेंड, जैसे ये सभी लिगेंड क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी लिगेंड मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेटल आयन के पास तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो चार्ज है वो आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इतना अधिक हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नहीं होना चाहिए, तो फिर स्टेबल क्यों है। तो इसके लिए दो रीज़न, दो तरीके बताए गए। क्या, एक बैक बॉन्डिंग, फर्स्ट आबंधन बैक बॉन्डिंग, और दूसरा आवेश स्थानांतरण चार्ज ट्रांसफर। बैक बॉन्डिंग में क्या है कि जैसे ये मेटल आयन के पास लिगेंड अपने लोन पर देकर इसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आधिक्य को बढ़ा रहे हैं, तो ये मेटल आयन क्या करेगा कि लिगेंड के पास यदि पाई स्टार एंटी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं तो ये उनमें अपने आधिक्य वाले इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड जो शुरू वाला बॉन्ड था जो सिग्मा बॉन्ड की तरह था वो तो लिगेंड से मेटल की तरफ बना था, और ये जो दूसरा बॉन्ड है ये बनेगा जब मेटल लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसका डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, जिसका इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्ड। इस बैक बॉन्ड की वजह से इन मेटल और लिगेंड के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, पाई बॉन्ड करैक्टर आ गया, और ये पाई बॉन्ड करैक्टर की वजह से हम यहाँ का क्या कहेंगे कि बॉन्ड का बंद, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम बढ़ गया, और बंद क्रम बढ़ने से इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी अधिक हो गया। चार्ज ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि यहाँ पर जैसे अगर हम करें कि Fe या कोई भी मेटल आयन है उसके साथ में NH3, H2O इस प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर उनके पास पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें उनके इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन नहीं होती है मेटल आयन के द्वारा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उस मेटल आयन के साथ में जैसे अगर NH3 जुड़ा हुआ है या H2O जुड़ा हुआ है तो वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम उसके द्वारा बॉन्डिंग करते हैं, O के द्वारा या N के द्वारा, इसी प्रकार हैलोजन्स हैं, तो वो जो नेगेटिव पार्ट मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है ये अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। जब मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेंगे तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, उस वजह से भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार पॉलिंग ने VVT कंसेप्ट के आधार पर बैक बॉन्डिंग और चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को समझाने का प्रयास किया।
तो ये इस प्रकार से हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ, मेटल का जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, थैंक यू।